न्यूज चैनल मी में आपका स्वागत है। मोगा पंजाब मोगा के सिंघवाला पावर हाउस में आग लगी, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विज्ञान भवन में FSSAI के फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स वाहन का दौरा किया। दिल्ली IMD वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय ने बताया, आज दक्षिण छत्तीसगढ़, उत्तर तेलंगाना, उत्तर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पूर्व मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। गुजरात में तेज हवाओं के साथ 4 से 5 दिन तक भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी तट क्षेत्र में रेड अलर्ट, पश्चिमी तट क्षेत्र में रेड अलर्ट, मध्य भारत में ऑरेंज अलर्ट, उत्तर भारत में येलो अलर्ट जारी रहेगा। उत्तर भारत में 22 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। लोगों को यह देखना चाहिए कि 15 साल तक लालू प्रसाद जी ने किस प्रकार का राज चलाया था। बिहार में कानून का राज खत्म किया गया था। लालू जी को बिहार में 15 साल तक लोगों के साथ अन्याय करने का हिसाब देना चाहिए था। महाराष्ट्र ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर को पुलिस पुणे की एक स्थानीय अदालत में लेकर आई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने रांची के रिम्स अस्पताल में घायल सहायक पुलिस कर्मियों से मुलाकात की। गुवाहाटी असम भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के 8 उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल के सदस्यों ने बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए असम के विभिन्न जिलों का दौरा किया। हरियाणा के कांग्रेस विधायक को ED ने किया गिरफ्तार, UPSC के चेयरमैन मनोज सोनी ने दिया इस्तीफा। एलन मस्क ने एक्स ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोवर वाले राजनेता बनने PM मोदी को बधाई दी। ट्रंप ने स्वीकार की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी, यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने दी बधाई। अयोध्या की सुरक्षा में NSG को किया गया तैनात, कमांडो अयोध्या पहुंचे। UP के गोंडा में प्रभावित डाउनलाइन मार्ग पर रेल सेवा फिर से शुरू। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आज विरोध प्रदर्शन करेगा इंडिया ब्लॉक। प्रेमी रेमिका ने खाया जहर, युवक की हुई मौत, किशोरी की हालत गंभीर। रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, घर वालों ने कार्रवाई की मांग को लेकर हाईवे किया जाम।